कृषि संविधान संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया बिल। पीएम मोदी जीएसटी पर दे सकते हैं जवाब। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कल पेश करेंगे आखिरी पॉलिसीज। बिजनेस बैंकर्स पोल के मुताबिक 85% बैंकर्स को दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं। कल आखिरी बार क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेंगे रघुराम राजन। बाजार के दिग्गजों ने जताई रेट कट की उम्मीद। विमल जलान और के मिस्त्री ने कहा 4.5% रेट घटने की गुंजाइश। अजीत गुलाबचंद का बयान ग्रोथ और निवेश बढ़ाने के लिए दरें घटाना जरूरी। अगले साल से आम बजट में रेल बजट का विलय संभव। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का बयान। रेल बजट खत्म करने की बायबैक विवेक देवरॉय पैनल ने भी की सिफारिश। अब रेलवे स्टेशन पर नहीं होंगे बोर। दिल्ली के चुनिंदा 5 स्टेशन पर रेलवे लगा रहा है नया सर्वर। फ्री वाईफाई से गाने सुनने फिल्में देखने की मिलेगी सुविधा। 16 अप्रैल 2015 के बाद निफ्टी 8,700 के ऊपर बंद। टेलीकॉम को छोड़कर बीएससी के सभी सेक्टर्स हरे निशान में। सेंसेक्स में 104 और निफ्टी में 28 अंक की तेजी। तेल गैस ऑटो मेटल शेयर्स में खरीदारी। अनुमान से बेहतर रहे हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे। मुनाफा 18% बढ़ा। मार्जिन 14% से बढ़कर 15% के पार। आइडिया के अनुमान से खराब नतीजे। कंसोलिडेटेड मुनाफा 850 करोड़ से घटकर 220 करोड़ रुपए। बारह अगस्त से वाटरवेज से गाड़ियां भेजेगी मारुति सुजुकी। शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में किया ऐलान। लागत और समय बचाने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल। मारुति और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के बीच एमओयू साइन। अमित शाह और ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। 22 जून को स्वामी प्रसाद ने बीएसपी से दिया था इस्तीफा। रियो ओलंपिक में आज शूटिंग में अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग का मुकाबला। जिम्नास्टिक के वॉल्ट इवेंट के फाइनल में दीपा कर्माकर ने बनाई जगह।